दोस्तों, मैं हूं आपका मोटिवेटर अनीस। दोस्तों, मैं आज आपको आपके जिंदगी के लिए एक बहुत जरूरी चीज सिखाने वाला हूं। दोस्तों, आप बहुत बार रुक जाते हो, आपको पता नहीं चलता है कि आप कहां जा रहे हो, आप हमेशा सोए रहते हो। दोस्तों, आपके अंदर एक आग नहीं है कुछ कर जाने की। क्यों? आपके अंदर कैपेबिलिटीज है, ताकत है, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, टैलेंट है, नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन आप क्यों कुछ भी कर नहीं पा रहे? क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों वर्क फील्ड में उतर नहीं पा रहे? ऐसा क्या है जो आपको रोक रहा है? आप ग्रेट पर्सन क्यों बन नहीं पा रहे? फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस सब का जवाब दूंगा। दोस्तों, जरा सोच के देखो, जब तक हमें जरूरत नहीं पड़ती है तब तक हमारे अंदर से ताकत प्रोड्यूस नहीं होती है। हमें नीड की जरूरत है। मैं एग्जांपल देता हूं, वर्ल्ड वार टू के समय पर जर्मन में ज्यादा इन्वेंशंस हुए थे। ये कैसे हुआ? क्योंकि तब जरूरत थी। जब माँ एक बच्चे को पैदा करती है तब उसके अंदर से कई हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो माँ को ताकत देते हैं और दर्द बर्दाश्त करने की ताकत भी देते हैं। एग्जाम से पहले लड़कों में बहुत कंसंट्रेशन रहता है, वो बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं। जब हमें नीड या जरूरत, तभी हमारे अंदर से पावर प्रोड्यूस होती है। हमारे ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स है, लेकिन वो हमारे यूज में क्यों नहीं है? क्या है इसका राज? हम हमारे दिमाग को ये क्या 2% से अधिक क्यों यूज नहीं कर पा रहे? हमारे अंदर ताकत है करके पता नहीं कितने ग्रेट पर्सन कहते जा रहे, लेकिन वो ताकत का इस्तेमाल हम क्यों नहीं कर पा रहे? दोस्तों, इसका जवाब है, जब तक जरूरत नहीं पड़ती तब तक वो ताकत हमें नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स, जरा ध्यान दो, विवेकानंद एक ग्रेट पर्सन थे। वो दिन भर बाहर भिक्षा मांगते हुए फिरते थे, जो सन्यासी लोग करते हैं। वो बहुत बार अनएजुकेटेड पीपल को देखते थे, बहुत सारे गरीब लोगों को देखते थे। सबको देखने के बाद जब वो लौट के आते थे, वो अकेले में बहुत रोते थे। वो उन सब गरीब लोगों को, उन सब अनएजुकेटेड लोगों को, उन सब बच्चों को याद करते थे। उनको जरूरत थी ताकत की। जिंदगी में वो दूसरों के लिए कुछ करना चाहते थे। उनके अंदर से प्रेशर प्रोड्यूस होता था कुछ करने का, और वो ताकतवर बन गए। जब हमें जरूरत पड़ती है हमारे अंदर से पावर प्रोड्यूस होती है। दोस्तों, जब हम झूठ बोलते हैं हमारे अंदर से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जब हम सच बोलते हैं हमारे अंदर से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है। जैसा सोचेंगे वैसे हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। दोस्तों, जिंदगी में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं हो रहा है, सब कुछ एक्सपेक्टेड है, सब कुछ प्रीप्लान है। जब सेकेंड मूव होता है तभी मिनट होता है, जब मिनट मूव होता है तभी आवर हो पाता है। जो हम मिराकल कह रहे हैं, अनएक्सपेक्टेडली कह रहे हैं, वो हमारे नॉलेज में नहीं है। बस हर एक का रीजन होता है, हर एक का रीजन होता है। दोस्तों, यहां एक बहुत बढ़िया बात है, दे ओनली हु लिव फॉर अदर्स। अगर आपको ताकत चाहिए, आपको इस जिंदगी में बहुत ज्यादा करना है, आपको ग्रेट पर्सन बनना है, तो फील करो उन गरीब लोगों को, फील करो उन मासूम बच्चों को जिनके माता पिता नहीं है, अनाथ हैं, भूखे हैं, फील करो, प्यार करो उन बूढ़े लोगों को जिनके बच्चों ने उनको घर से बाहर ढकेल दिया और वो पेट भरने के लिए रास्ते पर भीख मांग रहे हैं। फील करो आपके माँ को जिसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे त्याग किए, आपको पाला पोसा बड़ा किया। क्या आप अपनी मां के ड्रीम्स को पूरा नहीं करोगे? फील करो आपके पापा को, बचपन से लेकर आज तक सारा अपना पैसा, प्यार, समय, सब कुछ आपको दे दिया। क्या उनकी ड्रीम्स को आप पूरा नहीं करोगे? फील करो आपकी बहनों को जिनकी शादी नहीं हुई है, शायद पैसा या किसी भी प्रॉब्लम होगा, क्या आप उनको हेल्प नहीं करोगे? जब ताकत के लिए फील करोगे, आपके अंदर से ताकत प्रोड्यूस होगी। सिर्फ अपने लिए सोचना बंद करो, दूसरों के लिए भी सोचो,
फ्रेंड, ज्यादा ताकत तभी प्रोड्यूस होती है जब ज्यादा नीड की जरूरत है। आपके फील करने से आपके न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाएंगे, आपके अंदर से हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे जो आपको एक्टिव रखेंगे, आपके अंदर से आग पैदा होगी और आप इस दुनिया में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर जाओगे। दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, कुछ बढ़िया करके दिखाओ। बिलीव करो मिरेकल्स में और कुछ मिरेकल्स करके दिखाओ।